ओके लेट्स स्टार्ट। सो आज की डेट में मैं शुरू करने जा रहा हूँ आपका यूनिट वन का पहला लेक्चर, डीएनए स्ट्रक्चर फंक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस सर, क्लियर है। ओके, सो आई एम डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर। अबाउट अवर डीएनए, डीएनए आप लोग फेमिलियर हो गए, व्हाट इज डीएनए? ज़्यादातर आप लोग किस बैकग्राउंड से हो? बेसिकली मैथ बैकग्राउंड से हो गया? मैथ या मिक्स है। बायोलॉजी? मिक्स है। ओके, तो जो मैथ बैकग्राउंड से है उनके लिए मैं बहुत बेसिक शुरू करूँगा, बेसिक उसमें, और बायोलॉजी वाले ऑलरेडी फेमिलियर हैं डीएनए से। सो इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट इंट्रोडक्शन, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में दोनों आता है, डीएनए आरएनए, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड देन मेटाबॉलिज्म। सो हमारी बॉडी में जो है कुछ लाइफ प्रोसेसेस लगातार होती रहती हैं। जो भी आप देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दे आर एक्चुअली दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ प्रोसेसेस लाइक न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, है ना। पहले आप न्यूट्रिशन करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन होगा उन न्यूट्रिएंट्स का, रिस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म। दीज आर सम ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस। और लाइफ जो है, आप जो लाइफ है वो इन्हीं प्रोसेसेस पे बैलेंस जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें ये लाइफ प्रोसेसेस देखे जाते हैं। तो लाइफ डिपेंड्स ऑन द बैलेंस्ड रिलेशनशिप बिटवीन रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ओके, सो ऑल जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल, मैन, इट डिपेंड्स ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन्स। डीएनए क्या है, प्रोटीन क्या है, आने वाली क्लासेस में हम लोग देखेंगे। तो डीएनए क्या, डीएनए इज ए फॉर रिप्रोडक्शन, वेयर एज प्रोटीन इज फॉर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो आप लोग देखेंगे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें आपका न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं डीएनए एंड आरएनए। एंड वो न्यूक्लिक एसिड जो है रिस्पॉन्सिबल होता है उसके ट्रेट के लिए, उसके डिफरेंट करेक्टर्स के लिए। तो इट इज एन अमेजिंग थिंग कि आप लोग देखिए, टाइनी एग सेल फ्रॉम विच अ ह्यूमन लाइफ बिगन्स, विच कंटेन्स नो ब्लड, नन ऑफ द ब्लड ऑक्सीजन, ठीक है, कोई भी उसमें आपको ऑर्गेनिज्म मिल नहीं मिलता। लेकिन एक सेल से कैसे एक पूरे के पूरे ह्यूमन का ग्रोथ हो जाता है। तो हाउ टू बिल्ड ए ह्यूमन, हाउ आर द एग सेल डज कंटेन डीएनए, बिकॉज डीएनए उसके अंदर होता है जो वो ब्लूप्रिंट डिसाइड करता है कि वो ह्यूमन किस टाइप से, उसका स्ट्रक्चर होगा कैसे, उसका कलर होगा कैसी, उसकी हैबिट होगी, सारा कुछ उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो वही चीज़ कैसे कोड होता है उसका, वही हम लोग आने वाली क्लासेस में देखेंगे। सो अब हम लोग आते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, रोल्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। एक डीएनए होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, एंड देन होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए यहाँ पे आप देख पा रहे हो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। यहाँ आप लोगों, ये हमारी सेल है, आप लोगों स्टूडेंट क्लियर है ये एनिमेशन दिख रहा है? यस सर। ओके, तो ये है किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेल। हमारी बॉडी जो है मिलियंस ऑफ सेल से मिलके बनी हुई है, और हर सेल के अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर, आप लोगों ने सेल का स्ट्रक्चर भी पढ़ा होगा सेल बायोलॉजी वगैरह में, तो उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। तो न्यूक्लिक एसिड में क्या है कि डीएनए है, दिस इज द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, और सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है आरएनए, ठीक है। तो डीएनए प्रोवाइड्स द डायरेक्शन फॉर इट्स ओन रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेट करता है और उससे बनता है आपका आरएनए, या फिर मैसेंजर आरएनए भी आप कह सकते हो। ये बाहर चला जाता है न्यूक्लियस के, एंड इट एक्ट लाइक अ मैसेंजर आरएनए, और ये मैसेंजर आरएनए आपका राइबोसोम्स पे आता है, वहाँ पे प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन क्या है, दिस इज द एंजाइम, है ना। एंजाइम भी है जो बायोकेमिकल फंक्शन करता है, इसके साथ साथ ये स्ट्रक्चरल पार्टिसिपेशन भी करता है। तो
ये फ्लो आप देख पा रहे हो कि डीएनए से सबसे पहले आरएनए बना और आरएनए से आपका क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो आप ये देख सकते हो कि इसमें डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए, तो डीएनए डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए एंड थ्रू मैसेंजर आरएनए इट कैन कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बायोकेमिकल पाथवेज में, एक्ट लाइक द एंजाइम हार्मोन्स। इसके अलावा स्ट्रक्चरल पार्टिसिपेशन भी होता है इनका प्रोटीन का, आने वाली क्लासेस में हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे कभी। तो प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स ऑन राइबोसोम्स। तो ये एक फ्लो जो है वो कंटिन्यूस लाइफ में चलता रहता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से फिर आपका प्रोटीन बनेगा। सो न्यूक्लिक एसिड्स स्टोर ट्रांसमिट एंड हेल्प एक्सप्रेस हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। तो न्यूक्लिक एसिड बेसिकली करते क्या हैं, ये करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और उसको ट्रांसमिट करते हैं, जिससे कि ये अपने प्रोजीनी में ऑर्गेनिज्म अपना इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन बेसिकली वो ट्रांसफ़र कर सके। ठीक है, तो ये अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड इज प्रोग्राम बाय ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कॉल्ड अ जीन। और एक पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है, जो एक पर्टिकुलर, जैसे सपोज करिए यहाँ से ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक जीन है ना, जीन है, तो इसके अंदर एक इंफॉर्मेशन है, एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है, लाइक उसका हेयर कलर क्या होगा या फिर उसकी आंखें किस रंग की होगी, इस टाइप का इंफॉर्मेशन इस वाले इतने से एरिया में मौजूद होता है। जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, और ये जीन्स कैसे बने होते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ डीएनए, अ न्यूक्लिक एसिड मेड ऑफ मोनोमर्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। और ये डीएनए किससे बने होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये फिर वापस प्रोटीन जो है प्रोटीन बन रहा है। तो डीएनए एंड प्रोटीन्स एज टेप मेजर्स ऑफ एवोल्यूशन, तो ये इसे एज ए टूल भी यूज़ करते हैं कि अगर हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म की सिमिलरिटी मैच करते हैं उसके सीक्वेंस, एक्चुअली तो लीनियर सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए मॉलिक्यूल आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो ये जो लीनियर सीक्वेंस है, लीनियर सीक्वेंस मतलब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स के लीनियर सीक्वेंस हैं वही पास होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर। सो अगर दो टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज आर मोर सिमिलर, तो उनके डीएनए भी काफ़ी सिमिलर होंगे, तो इसे एज ए टूल भी यूज़ किया जाता है मेजर ऑफ इवोल्यूशन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जेनेटिक सिमिलरिटी बिटवीन ए ह्यूमन एंड चिकन इज अराउंड 60%, जबकि चिंपैंजी और ह्यूमन का 96% है, और ह्यूमन टू ह्यूमन भी वेरिएशन होता है, 0.1% का वेरिएशन यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि दो ह्यूमन भी आपस में सिमिलर नहीं होते हैं, दे हैव ओनली 0.1% वेरिएशन, लेकिन वेरिएशन वहाँ पे भी होता है। तो इसे एज ए टूल भी यूज़ किया जाता है, और एंसेस्ट्री टेस्ट भी आजकल एक कमर्शियल वो चला हुआ है कि एंसेस्ट्री टेस्ट भी उसके हेल्प से हो सकता है कि आपके एंसेस्टर कहाँ से आए हुए हैं, वो भी इंफॉर्मेशन आपको अपने डीएनए से मिल सकती है। ओके ओके, लेट्स मूव टू द बेसिक लेक्चर अराउंड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लू टू स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए केम फ्रॉम वर्क फ्रॉम इरविन चारगोफ एंड हिज कलीग्स इन 1940s। तो शुरुआत में जब ये देखा गया कि हमारे कुछ ऐसा जेनेटिक मटेरियल रिस्पॉन्सिबल है करेक्टर्स के लिए, आप लोग मेंडल वगैरह के एक्सपेरिमेंट्स पढ़े होंगे, उसमें मेंडल ने ये बताया कोई ऐसा जेनेटिक यूनिट्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन करेक्टर्स के लिए, एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाने के लिए। तो ये एक रेस शुरू हो गई कि ये हैं क्या। तो उसमें क्या है कि इरविन एंड चारगोफ का जो एक्सपेरिमेंट है, दैट वाज द लाइक पायनियर एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने क्या किया था वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम डीएनएज ऑफ अ ग्रेट मेनी डिफरेंट स्पीसीज लेड द चारगोफ टू सम इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन। तो उन्होंने क्या किया कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिए, उनके डीएनए लिए और उनके न्यूक्लियोटाइड्स को एनालाइज किया। हम लोग अभी आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे कि डीएनए भी ए टी जी सी है ना, उससे मिलके बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने होते हैं, और यही न्यूक्लियोटाइड हर ऑर्गेनिज्म में आपको मिलेंगे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें।
तो अगर आप उनका डीएनए देखेंगे तो उनमें ए टी जी सी मिलेंगे, लेकिन इनका प्रपोर्शन उन्होंने वो चीज़ एनालाइज किया तो ह्यूमंस का प्रपोर्शन आप देख पा रहे हो 30.9, 29.4, 19.9 एंड देन दिस इज 19.6 इन द केस ऑफ साइटोसिन। तो अगर आप लोग ये टेबल देखोगे तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि ए जो है इट विल बी इक्वल टू टी, है ना। जनरली इस वाले में देखेंगे तो प्लस माइनस थोड़ा बहुत एरर है ह्यूमन एरर एक्सपेरिमेंट में, लेकिन जो है उसकी सिमिलरिटी उसी टाइप से है। तो ए हमेशा जो है टी के इक्विवेलेंट होता है, जबकि जी जो है डेट इज़ इक्विवेलेंट टू सी कंसंट्रेशन। तो उन्होंने इससे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किए, सम इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन, ठीक है। उनके कंक्लूजन क्या थे? सो बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए जनरली वेरीज फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर। स्पेसिमेन आइसोलेटेड तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? मेरी आवाज क्लियर है? यस सर। तो उन्होंने कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किए कि जो डीएनए है हमारा, किसी भी अगर हम कोई भी ऑर्गेनिज्म लेते हैं तो उसका बेस कंपोजिशन जो है ऑफ डीएनए जनरली वेरीज फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर, लेकिन जो बेस का कंपोजिशन है यानी न्यूक्लियोटाइड्स का कंपोजिशन थोड़ा बहुत वेरी करता है, लेकिन डीएनए स्पेसिमेन आइसोलेटेड फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज ऑफ द सेम स्पीसीज जनरली हैव द सेम बेस कंपोजिशन। लेकिन आपस में ह्यूमन टू ह्यूमन देखेंगे तो उनका कंपोजिशन सेम होगा, सिमिलर होगा। द बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए इन अ गिवन स्पीसीज डज नॉट चेंज विद ऑर्गेनिज्म एज, न्यूट्रिशनल स्टेट एंड चेंजिंग एनवायरनमेंट। सो इन ऑल सेलुलर डीएनए रिगार्डलेस ऑफ द स्पीसीज द नंबर ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ थायमिन। मैंने आपको अभी टेबल दिखाया था, उसमें आप लोगों ने देखा था कि एडेनिन जो है उसका कंसंट्रेशन दैट विल बी इक्विवेलेंट टू थायमिन। इसी तरह गुआनिन का कंसंट्रेशन उन्होंने देखा कि साइटोसिन के इक्विवेलेंट पाया जाता है। तो उन्होंने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया कि देयर आर सम रिलेशनशिप बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन एंड गुआनिन एंड साइटोसिन। और इसके बेसिस पे उन्होंने एक क्या किया, एक फार्मूला ड्रॉ किया कि सम ऑफ द पिरिमिडिन इज इक्वल टू सम ऑफ द प्यूरिन रेजिड्यूज। प्यूरिन क्या है, पिरिमिडिन क्या है, आने वाली क्लासेस में हम लोग देखेंगे। तो अभी आप लोग जानिए कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज मेड अप ऑफ फोर न्यूक्लियोटाइड बेसेस ए जी टी एंड सी, और उनके आपस में एक रिलेशन होता है। ए हमेशा टी के साथ जो बाइंड करता है और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ बाइंड करता है। ये एक चारगॉफ का इनिशियल पायनियर एक्सपेरिमेंट था जो कि धीरे धीरे इस रिसर्च को और आगे बढ़ाया। ओके और ये आपस में जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और ये हेल्प किया क्या किस में, स्टेबलाइजिंग द 3D स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो हमें मिल गया कि ये जो ए टी जी सी पाया जाता है वो कैसे बाइंड करता है आपस में, और इसी से सम क्लूज जो है रिसर्चर्स ने, आने वाले रिसर्चर्स ने ड्रॉ किया, और जिसके कारण जो है आपका ये स्ट्रक्चर बना। सो एक क्वेश्चन है आपसे कि इफ देयर इज 30% एडेनिन हाउ मच साइटोसिन इज प्रेजेंट इन दैट ऑर्गेनिज्म, कोई बता सकता है इसको? सर 20% कितने लोग 20% बोल रहे हैं, सारे ही? ओके यू आर राइट, दिस इज 20%। देयर विल बी 20% साइटोसिन, क्योंकि एडेनिन विल बी इक्वल टू थायमिन, दैट इज 30%। 30% ये हो गया, 30% ये, तो ये हो गया आपका 60%। फिर गुआनिन जो है 20% हुआ, साइटोसिन 20%, ठीक है। रेस्ट क्या बचा, 40% बचा, उसको भी हाफ ऑफ करेंगे तो आ जाएगा आंसर आपका 20%। तो देयर फोर 60% एटी एंड 40% सी जी। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। एक साइंटिस्ट हुई थी, फेमस साइंटिस्ट तो नहीं थी लेकिन उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 1950s रोजलिन फ्रैंकलिन एंड मॉरिसस विल्किंस ऑब्टेन एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ डीएनए। तो शी वाज एक्चुअली पीएचडी स्कॉलर, और उन्होंने अपने रिसर्च में क्रिस्टलोग्राफी, डीएनए न्यूक्लिक एसिड की क्रिस्टलोग्राफी पिक्चर्स लेते थे वो लोग। तो एक एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न उन्होंने पिक्चर लिया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस पैटर्न को, यहाँ पे इस इमेज को आप देख पा रहे हो, तो ये इट वाज द इमेज। और इस पैटर्न वाज इंडिकेटेड दैट न्यू मॉलिक्यूल कंटेन टू स्ट्रैंड
अ क्लू दैट वाज क्रूशियल टू डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर. और यही पिक्चर है जिसके कारण वाटसन एंड क्रिक ने इस जो पहेली को खोज सका. तो उनका ये बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, लेकिन काफ़ी समय बाद रिकग्निशन मिला उनको इसके लिए. और इनकी स्टोरी आप लोग यूट्यूब वगैरह में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी, रोजलिन फ्रैंकलिन. ओके, सो ये दिस तो द एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ डीएनए, द स्पॉट्स फॉर्मिंग अक्रॉस इन दैट सेंटर डिनोट अ हेलिकल स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये एक स्पॉट आपको दिख रहा है, इट डिनोट्स अ हेलिकल स्ट्रक्चर. हैवी बैंड्स एट द टॉप एंड द बॉटम करेस्पॉन्ड्स टू द रिकरिंग बेसिस. इसमें से हम लोगों को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन रिसर्चर्स ने उस टाइम में क्या देखा इसमें कि ये जो एक गोल जैसा स्ट्रक्चर आपको देख रहा है, दिस स्पॉट इट कुड बी अ हेलिकल स्ट्रक्चर. मतलब उन्होंने ये गेस किया कि डीएनए जो है वो एक लीनियर स्ट्रक्चर ना हो के एक आपस में एक हेलिकल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है. ओके, तो रेस वाज ऑन टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर. उस वक्त ये लगा था कि भाई ये कैसे क्या स्ट्रक्चर होता है, पॉसिबिलिटी अजम्पशन लगाए जा रहे थे सब. बट द फॉर्मल प्रॉब्लम वाज फॉर्मुलेट अ थ्री डायमेंशनल मॉडल ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल दैट कुड बी सेटिस्फाइड द दिस फार्मूला, चारगॉस रूल को जो सेटिस्फाई कर सके, ए इक्वल टू टी, सी इक्वल टू जी, एंड सेटिस्फाइड अदर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए. तो इस तरह के एक ऐसे फॉर्म स्ट्रक्चर की खोज हमेशा से जारी थी उस वक्त कि जो ये इन सारे पहेलियों को सुलझा सके. और इसमें सफल हुए आपके वाटसन एंड क्रिक, ठीक है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल 1953 फॉर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. तो डीएनए स्टैंड्स फॉर डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, हम लोगों ने देखा है. तो विच इज़ अ मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन एंड ऑर्गेनिज्म नीडेड टू डेवलप एंड लिव रिप्रोड्यूस. तो यहाँ पे मैं आप इस मॉडल को डिस्कस कर रहा हूँ, वाटसन एंड क्रिक मॉडल को. तो उन्होंने क्या फाइंडिंग्स अपने इस वाले जो मॉडल में उन्होंने दिया, जो बहुत ही पाथ ब्रेकिंग थी और आने वाले रिसर्चर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइक रोल प्ले करने वाली थी. तो इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, वन ऑफ द फोर मेजर टाइप ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स. हमारे फोर मेजर माइक्रो मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड देन न्यूक्लिक एसिड. तो ये जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से वन ऑफ द फोर, इट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वहाँ पर आपको ये न्यूक्लिक एसिड मिलेगा. 3D मॉडल ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर कन्फर्म्स द चारगॉफ्स रूल. तो जो चारगॉफ का रूल था उसको ये मॉडल आसानी से 3D मॉडल जो है कन्फर्म्स करता था. इट कंसिस्ट टू हेलिकल डीएनए चेन्स क्वाइड अराउंड द सेम एक्सिस, टू फॉर्म्स अ राइट हैंडेड डबल हेलिक्स एंड लुक्स लाइक ए ट्विस्टेड लैडर. तो यहाँ पे एनिमेशन में भी आप इसको देख पा रहे हो और यहाँ पे मैंने इसको एक 2D डायग्राम में भी दिखाया हुआ है. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है और एक्चुअल में दो स्टैंड जो है आपस में हेलिकली जुड़े हुए हैं एंड अराउंड द सेम एक्सिस. और इससे क्या होता है, अगर हम लोग बीच से लाइन खींचे तो एक राइट हैंडेड हेलिक्स आपको दिखेगा और एक लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स दिखेगा. ईच स्टैंड हैज 5 प्राइम एंड एंड देन 3 प्राइम एंड. अब देखिए एक यहाँ पे 5 के ऊपर डैश लगा होता है, इसे हम लोग डिनोट करते हैं 5 प्राइम, ठीक है. यहाँ देखिए 3 प्राइम लगा हुआ है ना, तो जो डिनोशन है मतलब ये डॉट टाइप में लगा हुआ होगा तो उसको हम लोग प्राइम बोलते हैं. तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एक जो स्टैंड होगा वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा एंड उसके अपोजिट होगा 3 प्राइम से 5 प्राइम. तो दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होंगे. और यहाँ पे आप देखिए 5 प्राइम पे हमेशा आपको कार्बन मिलेगा जबकि 3 प्राइम पे आपको OH ग्रुप मिलेगा, ठीक है. ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको समझना चाहिए, क्योंकि आने वाले क्लासेस में आप ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जब हम लोग DNA रेप्लिकेशन या DNA ट्रांसक्रिप्शन वगैरह पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपसे को समझ में आएंगी आसानी से. तो 3 प्राइम एंड जो है दैट इज हमेशा वहाँ पे, सॉरी 5 प्राइम एंड वहाँ पे हमेशा आपको कार्बन मिलेगा जबकि 3 प्राइम में आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप मिलेगा. तो ईच स्टैंड हैज अ 5 एंड विद अ फॉस्फेट ग्रुप एंड 3 प्राइम एंड विद अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप. सो द स्टैंड्स ऑफ DNA कंप्राइजिंग द डबल हेलिक्स रन इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एंटी पैरेलल
मीनिंग दैट वन स्टैंड्स रन इन 5'-3'। तो दोनों आपस में एंटी पैरेलल भी हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक जो है 5' से 3' में है एक स्टैंड, जबकि अगला स्टैंड क्या है उसका उल्टा, यानी कि 3' से 5' डायरेक्शन में होगा। द स्पेशियल रिलेशनशिप बिटवीन टू स्टैंड्स क्रिएट्स अ मेजर ग्रुप एंड अ माइनर ग्रुप बिटवीन द टू स्टैंड्स। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये दो ग्रुप यहाँ पे बना भी रहा है, आप लोग देख पा रहे हो, दिस इज द मेजर माइनर ग्रुप है ना, माइनर ग्रुप है और मेजर ग्रुप। तो इस टाइप से ये 3D में अरेंज होता है कि मेजर और माइनर ग्रुप के स्ट्रक्चर्स क्रिएट करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हाइड्रोफिलिक बैकबोन ऑफ अल्टरनेटिंग सुगर फॉस्फेट यूनिट्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स आर ऑन आउटसाइड ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल एक्सपोज टू द वाटर। ठीक है, हाइड्रोफिलिक है ना और हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक का मतलब जो वाटर लविंग है, दैट बैकबोन्स ऑफ अल्टरनेटिंग सुगर फॉस्फेट यूनिट्स। तो जो वाटर लविंग यूनिट्स है वो कहाँ पे होंगी, आउटसाइड में होंगी, क्योंकि हमारे चारों तरफ क्या है वाटर का एनवायरनमेंट है सारे जगह, आपको बफर वगैरह मिलेंगे जो कि वाटरी मॉलिक्यूल है वहाँ पे। जबकि हाइड्रोफोबिक एंड कहाँ है, दैट स्टैक्स नीटली इनसाइड द मॉलिक्यूल, वो अंदर की तरफ मिलेंगे। ठीक है, द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द बेस पेयर होल्ड द डबल हेलिक्स टुगेदर। अब ये दोनों जो है कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे आप डैश डैश का जो साइन देख पा रहे हो दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपस में इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसके कारण ये आपस में जुड़े हुए हैं। डायामीटर ऑफ द डबल हेलिक्स इज 2 नैनोमीटर। तो डायामीटर यानी कि जो हेलिक्स का ये डायामीटर है, यहाँ पे आप एक 20 से लाइन खींचे हैं आप लोगों ने, और ये डायामीटर यहाँ से यहाँ पे आप देख पा रहे हो दैट इज अराउंड 2 नैनोमीटर। एंड द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर रिपीट्स एट इंटरवल ऑफ 3.4 नैनोमीटर। और ये जो डबल हेलिक्स का रिपीट है, ठीक है, 1 टन में यहाँ पे देखिए 3.4 नैनोमीटर पे अगला रिपीट आता है। ठीक है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक दैट इज अराउंड 3.4 नैनोमीटर। The two strands are held together by hydrogen bond, जो मैंने बताया आपको अभी पहले। The two strands are called polynucleotides. Nucleotides मैंने बताया आपको कि वो आपके structural monomers हैं DNA के। Poly का मतलब हो गया ढेर सारे nucleotides। इसमें एक nucleotide में ढेर सारे nucleotide लगे होते हैं। That is why it's called polynucleotide. So they are made of simpler monomer units called nucleotides. Basically, the DNA is composed of deoxy राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, यानी अभी और डिटेल में हम लोग इसको देखेंगे, इस स्ट्रक्चर को, लिंक्ड टुगेदर बाय 3'-5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, द नाइट्रोजनस बेसिस दैट कंपोज द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स इंक्लूड एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड गुआनिन। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। किसी का माइक ऑन है प्लीज उसको ऑफ कर दीजिए। स्टूडेंट्स, सो कॉम्प्लीमेंट्री एंटी पैरेलल ऑफ डीएनए फॉलोइंग द पेयरिंग रूल्स प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक्स। द टू डबल स्टैंड्स ऑफ द डबल हेलिक्स आर एंटी पैरेलल, तो आपस में एंटी पैरेलल होते हैं। द टू डीएनए स्टैंड्स आर नॉट आइडेंटिकल बट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो दो जो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, अभी मैंने अभी आगे वाले स्लाइड्स में आपको दिखाऊंगा इस चीज़ को। ओके, तो डीएनए को हम लोग बोलते हैं गॉड्स अल्फाबेट। ठीक है, गॉड्स की अल्फाबेट है ये, यानी कि इसी से निर्धारित होता है कि हम लोगों का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब कुछ, मतलब जो मैंने भी पीछे बताया आप लोगों को। तो वी कैन से दैट इट्स ए गॉड्स अल्फाबेट, एंड अल्फाबेट में क्या है, टू स्टैंड्स कॉइल कॉल्ड अ डबल हेलिक्स एंड साइड्स मेड अप ऑफ पेंटोस शुगर डी ऑक्सी राइबो बॉन्डेड टू फॉस्फेट ग्रुप्स बाई फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि डी ऑक्सी राइबोज बॉन्डेड टू फॉस्फेट ग्रुप बाई ए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स।
एंड सेंटर मेड ऑफ नाइट्रोजन बेसिस बाई वीक, ये आपका ये हो गया डबल हेलिक्स, है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स को हम लोग एक लैडर की तरह समझ सकते हैं, ठीक है, दे आर लेग्स ऑफ अ लैडर। यही है फॉस्फेट एंड शुगर बैकबोन, जो मैंने फॉस्फेट और शुगर बैकबोन की बात की थी, जो हाइड्रोफिलिक थे, वो कहाँ पे, आउटसाइड ऑफ द लैडर, तो ये बाहर की साइड में है, और इनर साइड में आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोजिनस बेसिस ए टी जी और सी। तो ये जो आपके ये रग्स हैं, रंग्स हैं इस लैडर की, जो सीढ़ियाँ हैं उसमें जो डंडे लगे हुए हैं, दैट विल बी नाइट्रोजिनस बेसिस ए टी जी एंड सी, जबकि लेग्स क्या है, फॉस्फेट एंड शुगर बैकबोन। तो एक यहाँ पे आप एक सिमिलरिटी काइंड ऑफ चीज समझ सकते हो। ओके, सो मोस्ट डीएनए हैज राइट हैंडेड ट्विस्ट विद 10 बेस पेयर्स इन अ कंप्लीट टर्न, लेफ्ट ट्विस्टेड डीएनए इज कॉल्ड जेड डीएनए और साउथ पार डीएनए। हॉटस्पॉट अकर्स वेयर राइट एंड लेफ्ट ट्विस्टेड डीएनए मीट प्रोड्यूसिंग म्यूटेशंस, तो म्यूटेशंस भी होते हैं। अब आते हैं हम लोग थोड़ा और डिटेल स्ट्रक्चर पे। मैंने बताया था आपको कि अब मैं पॉइंट्स समराइज कर रहा हूँ, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। स्टैंड फॉर डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड मेड अप ऑफ सब यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। अब ये कैसे मिलकर बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। न्यूक्लियोटाइड के अंदर हम लोग जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड में क्या है, एक आपको मिलेगा फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, एक आपको मिलेगा फॉस्फेट। यहाँ पे आप देख पी जो देख पा रहे हो, दैट इज द फॉस्फेट ग्रुप। ये एनिमेशन दिख रहा है आप लोगों को स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? यस सर। ओके, तो ये जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है, दिस इज द पी, पी मतलब फॉस्फेट ग्रुप। इसके बाद आपका आता है 5 कार्बन शुगर, ये जो एस है दैट इज द शुगर, एंड देन नाइट्रोजिनस बेस ए टी जी एंड सी, ठीक है, ये हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजिनस बेस। तो ये चीज़ तो हर चीज़ में कॉमन रहेगी, पी सब में रहेगा, फॉस्फेट ग्रुप सब में रहेगा, शुगर सब में रहेगा, तो ये स्ट्रक्चर सारे ही न्यूक्लियोटाइड में कॉमन होता है, ओनली नाइट्रोजिनस बेस का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो नाइट्रोजिनस बेस सी और टी जो है सिंगल रिंग है, जबकि जी और सी क्या है, जी और ए क्या है, दैट इज डबल रिंग स्ट्रक्चर, तो दे आर द प्यूरिन्स, है ना, जो डबल रिंग्स हैं वो प्यूरिन्स होते हैं, जो सिंगल रिंग है दैट इज द पिरिमिडिन स्ट्रक्चर। ये आपका फॉस्फेट ग्रुप जो मैंने बताया था, ये यहाँ से ऐसे ये शुगर से मिलके लगा हुआ होता है। तो यहाँ पे आप देखिए ये कहाँ, ये 5 प्राइम हो गया, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कार्बन है, दैट इज द यहाँ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। ओके, और ये आपका आ गया नाइट्रोजिनस बेस, कहाँ पे, 1 पे आपका नाइट्रोजिनस बेस जुड़ा। तो ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है आपका डीएनए न्यूक्लियोटाइड का। अब ये जो नाइट्रोजिनस बेस है ये कुछ भी हो सकता है, ए हो सकता है, जी हो सकता है, सी है, या फिर टी है, लेकिन ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमेशा सारों में सेम होगा, है ना, सारे न्यूक्लियोटाइड्स में ये सेम होगा। और इसी तरह के सारे ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिला के बनाते हैं आपका कंप्लीट डीएनए, है ना, कंप्लीट डीएनए बनाएंगे, और उसी से आपको जीन्स बनेगा, और जीन्स से आपका बनेगा मैसेंजर आरएनए वगैरह, और मैसेंजर आरएनए से आपका बनेगा प्रोटीन। तो इस टाइप से एक सीक्वेंस हमेशा लाइफ में चलता रहता है। तो कार्बन्स आर नंबर्ड क्लॉकवाइज 1 prime to 5 prime, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए 1 prime है, है ना, 1, 2, 3, 4 and 5 prime, ये क्लॉकवाइज में नंबर लिखे जाते हैं कार्बन के, और इस तरह से ये आपस में एंटी पैरेलल एक दूसरे के होते हैं। अब यहाँ पे आपका एक यहाँ पे हम लोगों ने देखिए ये स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, तो ये आपका न्यूक्लियोटाइड हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड, फिर ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ गया, ये तीसरा, है ना, ये 1, 2, 3 न्यूक्लियोटाइड आ गए, और ये आपस में एक स्टैंड बना रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये दूसरा वाला आ गया आपका, और ये दोनों के बीच में आपका फिट हो गया क्या, नाइट्रोजिनस बेस। ए हमेशा टी के साथ बाइंड कर रहा है, सी हमेशा सी के साथ,
और यहाँ पे आप एक चीज और नोट करिए, जी के साथ तीन बॉन्ड बन रहे हैं जबकि ए के साथ दो बॉन्ड बनते हैं। तो वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए गोज फ्रॉम 5' to 3', ठीक है, 5' to 3', ठीक है, एंड अनदर अपोजिट इंटरेक्शन 3' to 5', यानी कि 3' to 5' डायरेक्शन। डबल रिंग इज प्यूरिन एंड सिंगल रिंग इज पिरिमिडिन, ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। प्यूरिन ऑलवेज पेयर विद पिरिमिडिन्स, ठीक है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स रिक्वायर्ड टू बॉन्ड गुआनिन एंड साइटोसिन। यहाँ पे आप देखिए गुआनिन जो है साइटोसिन के साथ बॉन्ड कर रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स जुड़े हुए हैं उसके साथ, जबकि एडेनिन एंड थाइमिन आपस में बाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो समरी में हम लोग एक देखते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने देखा कि न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड होता है और एक होता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। सो देयर आर 2 families ऑफ नाइट्रोजनस बेस, एक होता है पिरिमिडिन दैट वी कॉल्ड साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। यूरासिल जो है दैट इज इन द केस ऑफ आरएनए, ठीक है, हम लोग यहाँ डीएनए पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोगों ने साइटोसिन और थाइमिन को ज़्यादा देखा। एक और पिरिमिडिन पाया जाता है यूरासिल, दैट अकर्स इन आरएनए, दे हैव द सिंगल सिक्स मेंबर्ड रिंग। इसके अलावा प्यूरिन्स हम लोगों ने देखा, एडेनिन एंड गुआनिन हैव अ 6-membered रिंग फ्यूज्ड टू अ 5-membered रिंग, मतलब डबल रिंग है ना, यहाँ सिंगल रिंग है एंड दिस इज द डबल रिंग। इन डीएनए द शुगर इज डीऑक्सीराइबोज, जबकि आरएनए में क्या होता है, राइबोज शुगर। तो शुगर का बस यही डिफरेंस होता है कि शुगर जो है इसमें डीऑक्सीराइबोज पाई जाती है डीएनए में, जबकि आरएनए में कौन सी पाई जाएगी, राइबोज शुगर। और न्यूक्लियोटाइड आपका ये बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। तो न्यूक्लियोटाइड का फार्मूला अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोसाइड को अगर और इलेबोरेट करेंगे तो नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर। तो ये आप लोग एक समरी जो है वो अपने दिमाग में नोट डाउन करिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ओके ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स के ऊपर। डीएनए के बारे में हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस कर लिया, अब थोड़ा सा हम लोगों आरएनए के बारे में भी देख लेते हैं। आरएनए मॉलिक्यूल्स यूजली एग्जिस्ट इन अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, डीएनए हमारा डबल चेन में स्ट्रक्चर वो करता है, जबकि आरएनए कैसे करेगा, इट अकर्स एज अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, जबकि डीएनए मॉलिक्यूल्स हैव 2 polypeptide चेन। इन डीएनए डबल हेलिक्स द 2 backbones रन 5' to 3' डायरेक्शंस, मतलब एंटी पैरेलल दोनों रन करेंगे। ओनली डीएनए मॉलिक्यूल्स इंक्लूड मेनी जीन्स। ओके, बाकी सारा कुछ सेम होता है, ओनली डिफरेंस बिटवीन द यूरासिल है ना, थाइमिन इज द रिप्लेस्ड विद यूरासिल, सो ए पेयर्स विद द यू। यहां पे आप देख पा रहे हो इसको, इन दोनों के स्ट्रक्चर को, डिफरेंस को। सो इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ द डीएनए अगर आपसे पूछा जाए तो द मॉडल एक्सप्लेन मेनी अनयूजुअल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए। तो मॉडल आसानी से एक्सप्लेन कर पाया कई अनयूजुअल जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है डीएनए की उसको। इट इमीडिएटली सजेस्टेड अ मैकेनिज्म फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो ये आसानी से एक थ्योरी बन सकी कि कैसे ये जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन है वो कैसे हो सकता है। एंड इट इज सजेस्टेड मींस बाय विच डीएनए कुड बी रेप्लिकेटेड, और इसी मॉडल से हमें पता चला कि डीएनए जो है डबल हेलिक्स है तो इट कुड बी रेप्लिकेटेड, कैसे ये रेप्लिकेट हो सकता है इसके बारे में भी थ्योरीज बन सकी। सो अ जीन कोड्स फॉर अ प्रोटीन है ना, फिर से हम लोग बेसिक में वापस आ गए हैं, हम लोगों ने डीएनए के स्ट्रक्चर को समझ लिया है हम लोगों ने नाउ। तो क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ बोथ डीएनए एंड प्रोटीन, जो हमारा क्रोमोसोम्स है ना, कहते हैं ना कि 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं ह्यूमन के अंदर, 23 पेयर्स होते हैं उसमें, तो दैट इज मेड अप ऑफ बोथ डीएनए एंड प्रोटीन। तो ये अर्ली साइंटिस्ट थॉट प्रोटीन वाज अ सेल्स हेरिडिटरी मटेरियल बिकॉज इट वाज मोर कॉम्प्लेक्स देन डीएनए। ये शुरू में सोचा जाता था कि डीएनए से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है और इसीलिए प्रोटीन कुड बी अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस वाले स्लाइड में कि डीएनए जैसे सपोज करिए हमारा किससे ये बना हुआ है,
तो इस टाइप से ये इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है बॉडी के अंदर। इसके इसको आप समझ पा रहे हो स्टूडेंट्स? मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? यस सर। ये हमारा डीएनए है, डीएनए में कोड है सी सी टी जी ए। मैंने बताया था कि उसमें चार जो आपको मिलेंगे नाइट्रोजिनस न्यूक्लियोटाइड मिलेंगे। न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को भी हम लोगों ने डिस्कस किया अभी। सपोज करिए ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं आपके सी सी टी जी ए, और ये डीएनए आपका क्या होने वाला है, प्रोटीन बनने वाला है इससे। ये डीएनए डबल हेलिक्स होगा, ठीक है, डबल हेलिक्स होगा। तो एक हेलिक्स का ये आपको यहाँ पे कोड दिया हुआ है। अब ये क्या होगा, ट्रांसक्राइब्ड होगा, ट्रांसक्राइब्ड होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा यहाँ पे। तो ये कोड में क्या होगा, आपको 3-3 कोड के एमिनो एसिड्स बन जाएंगे। जैसे सी सी यू, मतलब ये न्यूक्लियोटाइड यू देखिए यहाँ पे आ गया, टी की जगह यहाँ पे यू आ गया, है ना। तो ये यू जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा मैसेंजर आरएनए के केस में। तो दिस इज द मैसेंजर आरएनए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये यू चेंज हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये एक कोड बन गया आपका मैसेंजर आरएनए का। अब इसी कोड से आपका बनेगा क्या, पेप्टाइड। तो ये सी सी स्टैंड फॉर सपोज करो पी के लिए, सी सी यू पी के लिए है, जी ए जी सपोज करो ई के लिए है, सी सी ए अगेन इट इज़ फॉर द पी, ए सी यू फॉर टी। इस टाइप से एक जो है वो बनाया गया है सीक्वेंस। तो दिस इज द अल्फाबेटिकली, मतलब जो है थ्री न्यूक्लियोटाइड को मिला के एक एमिनो एसिड बनता है, वही यहाँ पे देखिए पेप्टाइड की एक चेन बन गई। ओके, तो प्रोटीन आर कंपोज ऑफ 20 डिफरेंट एमिनो एसिड्स। तो इस तरह के 20 डिफरेंट एमिनो एसिड्स आपको मिलेंगे आने वाली क्लासेस में, वो भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो हम लोगों ने देख लिया आपको ये एक्सपेरिमेंट, कौन सा, चॉर्गॉफ का एक्सपेरिमेंट देखा हम लोगों ने, रोजलिन फ्रैंकलिन के। उसको एक और एक्सपेरिमेंट मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करना चाहूँगा कि शुरुआत में जैसे मैंने बताया था कि प्रोटीन आर मच कॉम्प्लेक्स देन डीएनए, ये इट वॉज रिसर्चर वॉज थिंकिंग दैट कि प्रोटीन जो है जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। लेकिन कौन सा एक्सपेरिमेंट ऐसा था जिसने ये प्रूव किया कि डीएनए इज द सेल्फ जेनेटिक मटेरियल, वो था हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट। दीज आर द हर्शे एंड चेस जिनके एक्सपेरिमेंट्स ने ये प्रूव किया। तो वो एक्सपेरिमेंट हम लोग यहाँ पे स्मॉल में डिस्कस करने वाले हैं। तो उन्होंने क्या किया कि लेबल द प्रोटीन ऑफ बैक्टीरियोफेज जो था दैट विद रेडियो एक्टिव सल्फर। तो उन्होंने कहा कि भैया प्रोटीन अगर जेनेटिक मटीरियल है तो उसको हम सबसे पहले रेडियो एक्टिव से सल्फर से लेबल्ड कर देते हैं, है ना, एक टैग कर देते हैं उसको। एंड डीएनए को उन्होंने फॉस्फेट ग्रुप जो उसका था उसको P32 से टैग कर दिया। तो दोनों को अलग अलग रेडियो एक्टिव कंपाउंड से उन्होंने टैग कर दिया। इसके बाद क्या किया उन्होंने, उस बैक्टीरियोफाज को, बैक्टीरियोफाज मतलब जो बैक्टीरिया को खा जाए, है ना, बैक्टीरियो को, जो बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाता है, उस तरह के वायरस होते हैं उनको हम लोग बैक्टीरियोफाजेस कहते हैं। ये क्या करते हैं वायरसेस, ये बैक्टीरिया के ऊपर जाके लग जाते हैं और अपना जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर डाल देते हैं, और उसके बाद उसके मैकेनिज्म पे पूरा काबू पा जाते हैं और पूरे के पूरे वहाँ पे अपना जो बैक्टीरियोफाजेस की प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर देते हैं। दीज आर सम ऑफ द लाइक बैक्टीरियोफाजेस आर द वायरसेस, है ना। तो उन्होंने एज ए टूल उसको यूज़ किया, उसको उन्होंने क्या किया, जो प्रोटीन पार्ट था उसमें सल्फर कंटेंट होता है, तो सल्फर को उन्होंने रेडियो एक्टिव कंपाउंड बना दिया। डीएनए वाले को फॉस्फेट जो ग्रुप होता है उसका फॉस्फोरस जो था उन्होंने उसको रेडियो एक्टिव कर दिया। तो दोनों को, डीएनए को भी लेवल कर दिया है और प्रोटीन को भी लेवल कर दिया। इसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको बैक्टीरिया के साथ मिक्स कर दिया। जब बैक्टीरिया के साथ उन्होंने मिक्स किया तो उन्होंने कुछ रिजल्ट्स मिले। क्या रिजल्ट मिला कि जो प्रोटीन वाला था पार्ट, जीनोम लेबल्ड विद फॉस्फेट ग्रुप,